Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss principles of development. The process of development is very wide, complex, and continuous. Thus, some principles need to be understood. जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो बहुत वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टीन्यूस है, इसीलिए हमें कुछ प्रिंसिपल जानने की ज़रूरत है. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज, इसका आपको नाम से ही लग रहा है कि प्रिंसिपल जो है ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. डेवलपमेंट इज़ स्लो एंड रेगुलर प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है एक स्लो एंड रेगुलर प्रोसेस है. इट डज नॉट टेक प्लेस एब्रप्टली और बाय लीप्स ऑफ एंड बाउंड्स. ऑल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट कंटिन्यू टू ग्रो ग्रेजुअली अंटिल दे रीच देयर मैक्सिमम. देखिए, डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है और रेगुलर होता है. ये ऐसे ही नहीं अब्रप्टली नहीं प्लेस ले लेता है. इसके लिए बहुत सारे डायमेंशन हैं और ये तब तक चलते रहता है जब तक ये अपने मैक्सिमम जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच जाए. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड के नॉट स्पीक ऑल ऑन अ सडन. एक बच्चा जो है वो सभी बात को सडन नहीं बोलता है. ही डेवलप्स अ स्पीकिंग हैबिट बाई कॉन्टीन्यूस एफर्ट. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ to lifelong. For example, from womb to tomb. ये एक continuous process है जो start होता है माँ के गर्भ से और tomb तक जाता है. दूसरा principle of development direction. इसमें जो है दो direction की बात की गई है. एक cephalo-caudal sequence जिसमें development जो है वो सर से लेकर toe तक होता है, जिसको cephalo-caudal बोलते हैं. जैसे कि आप एक बच्चा को अगर देखोगे तो उसका गर्दन जो है, जब वो जन्मजात शिशु होता है तो उसका गर्दन सीधा नहीं होता है. उसका हाथ पैर सब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो सीधे से खड़ा नहीं हो पाता, बैठ भी नहीं पाता. तो उसका जो है सेफेलोकॉडल सीक्वेंस में उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब सर से टो तक. दूसरा है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल. प्रॉक्सिमोडिस्टल में डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स. इसमें जो है डेवलपमेंट जो है वो सेंटर पोर्शन ऑफ द बॉडी से आउटर पार्ट्स में जाते हैं. तीसरा, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स पैटर्न और सीक्वेंस. डेवलपमेंट जो है वो एक पैटर्न फॉलो करेगा और यही पैटर्न जो है हर एक आदमी के साथ होगा. इफ़ वी विल टेक एनी डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वी विल फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल, इन फिजिकल डेवलपमेंट वी कैन सी द सेफेलोकॉडल सीक्वेंस. द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो. अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रोज अर्लियर एंड देन लोअर पार्ट्स. एट बर्थ द हेड इज मच लार्जर एज कंपेयर टू अडल्ट हेड. सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट इज अर्लियर इन अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द चाइल्ड कैन रेज हिज हैंड फर्स्ट विथ बेटर कंट्रोल बिफोर ही कैन मूव हिज चेस्ट और हेड और लेग. जो है वो एक पैटर्न है कि आपको इसी पैटर्न में आपका डेवलपमेंट होगा. अदरवाइज जो है हर एक जगह बच्चे का इसी पैटर्न में होता है. जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मोटर डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. मतलब एक पैटर्न है कि पहले आप जन्म लेते हो, फिर आप फिजिकली थोड़ा सा डेवलप होते हो, फिर आपके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, फिर आप बोलना सीखते हो, लैंग्वेज डेवलप होता है, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है. तो एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो होता है. द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हम सभी जानते हैं कि हर एक लोग डिफरेंट है. देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आर सोसाइटी. ईच चाइल्ड ग्रोज इन हिज ओन यूनिक वे. हर एक बच्चा अपने यूनिक वे में ग्रो होता है. नो टू इंडिविजुअल्स ग्रो एंड डेवलप इन सेम वे और एट सेम रेट. सम ग्रो टॉलर, सम ड्वार्फ, सम बिकम एडोलेसेंट वेरी सून, सम अदर डेवलप सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक वेरी सून, एंड सम गेट अर्ली मैच्योरेशन. हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है. कुछ लोग बहुत जल्दी फिजिकली ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट से होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी सोशली डेवलप हो जाते हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आर सोसाइटी एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. द फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज.
In case of language development, the child, before saying different words, letters, babble different sounds. बच्चा जो है word और letter बोलने से पहले babble करता है. This is the general, पहले वो general बोलता है, फिर वो specific में आता है. The child first shows general responses, then gradually he shows specific responses to specific stimuli. For example, the newborn baby moves his body at one time instead of moving one part of it. कभी कोई बच्चा को अगर कुछ, जो छोटा बच्चा होता है उसको अगर कुछ उठाना है तो पूरे हाथ से पहले उठाता है, फिर ग्रेजुअली व्हेन ही डेवलप्स ही स्टार्ट्स पिकिंग अ पेन बाय द फिंगर्स. बताता है कि पहले बच्चे अपना पूरा जनरल कोई चीज़ होते हैं, करते हैं कोई भी काम जनरल थिंग में, उसके बाद वो धीरे धीरे स्पेसिफिक होते जाते हैं. तो सिक्स्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप. डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ इंटर डिपेंडेंट ड्यू टू इंटर रिलेशन. लाइक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर वो बच्चा सोशली डेवलप नहीं होगा तो वो उतना कॉग्निटिव लेवल पे डेवलप नहीं हो पाएगा. अगर वो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है तो वो सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप. द सेवेंथ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. बाई प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, अगेन these specific responses are integrated from the whole. It means there is a movement from whole to parts and again parts to whole. अगर किसी को कुछ करना है, जैसे principle of integration means if you are cycling, तो while cycling you use your cognitive development, you use your eyes, senses, hand, feet. तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, साथ ही वो इंटीग्रेशन है एक दूसरे पे. Principle of predictability is 8. इसमें है कि यू कैन प्रिडिक्ट सीइंग अ चाइल्ड. अगर आप किसी बच्चे को देख के उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो तो डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है. लाइक देयर इज़ अ सेइंग दैट मॉर्निंग शोज अ डे. मतलब कि एक बच्चे को देख के यू कैन प्रिडिक्ट कि वो बच्चा आगे फ्यूचर में क्या करेगा. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिविटी.